नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कांग्रेस प्रवक्ताओं को टीवी चैनल में डिबेट की बहस में बैठने पर एक महीने की रोक पर भाजपा प्रवक्ता धैर्यवर्धन सिंह का कहना है कि मुझे लगता है कांग्रेस का संसदीय चुनाव में बुरा प्रदर्शन हुआ है। जो देश में उन्होंने तमाम प्रकार के ढोंग और नौटंकी की थी उसे जनता ने पहचान लिया है और इसलिए बमुश्किल 8 सीटें बढ़ा पाए हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी इतने सक्षम नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर सदन में बैठे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुरजेवाला ने क्यों एक महीने के लिए प्रवक्ताओं के डिबेट पर बैन लगा दी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुझे लग रहा है कांग्रेस का जो बुरा प्रदर्शन हुआ है, तमाम प्रकार के ढोंग और नौटंकी और पॉम्प एंड शो के बाद भी बमुश्किल 8 सीटें बढ़ा पाए। तकनीकी तौर पर अभी वो सक्षम नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में बैठ सकें। मुझे लगता है सारा का सारा संगठन सन्निपात के दौर से गुजर रहा है। बैंकॉक जाते हैं राहुल गांधी जी हर हार के बाद, या थाईलैंड जाते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी अवसर मिला है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बजाय कांग्रेस में बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो भी गर्मियों में कहीं घूमने चले जाएं। बाकी मुझे लग रहा है कि या तो यह चाटुकारिता का नया अध्याय सुरजेवाला जी की तरफ से राहुल जी के प्रति, या फिर एक और बेवकूफ़ी भरा निर्णय है जो लोगों के बीच में सवाल खड़ा कर रहा है। लोग आश्चर्यचकित हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस कॉमेडी शो में तब्दील होती जा रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।